जैसे कि गाइज आपको पता है आज मंडे है, सावन के सोमवार चल रहे हैं, सभी लोगों के व्रत चल रहे होंगे। और महादेव को कुछ करना इतना कठिन तो है नहीं, आप सच्चे दिल से मांगो तो महादेव इच्छा पूरी कर देते हैं। तो महादेव तो हमारे ऐसे भोले भाले हैं, जो भी उनकी तपस्या करते थे पहले जमाने में भी उनको वो फल दे देते थे, चाहे वो राक्षस हो चाहे कुछ भी। एक बार एक राक्षस थे भस्मासुर, तो उन्हें शिव जी की इतनी तपस्या कर ली कि उन्होंने मतलब शिव जी की तपस्या करी तो शिव जी खुश हो गए। शिव जी ने बोला कि जो मांगना चाहो वो मांगो। और शिव जी बोले कि उसने बोला कि जिसके सर पर भी मैं हाथ रखूं तो मेरे को ऐसा वरदान दीजिए कि जिसके सर पर भी मैं हाथ रखूं तो वो भस्म हो जाए। बताओ, शिव जी ने तथास्तु बोल दिया। अब राक्षस के मन में आ गया कि क्यों ना पहले ही शिव जी को मार दिया जाए, शिव जी को ही भस्म कर लो। बताओ, उसके मन में ये चीज आ गई, वो तो है ही राक्षस भाई। तो एक क्या हुआ कि दौड़ा शिव जी के पीछे भस्म करने के लिए, शिव जी को भागे, शिव जी आगे भागते गए भागते गए भागते गए और राक्षस पीछे पीछे भागते गया। जाके फिर कहीं पर एक ऐसा पर्वत था कि वहां पर वो छुप गए हैं और बाहर से पत्थर लगा दिया इतना बड़ा शिव जी ने अपनी शक्ति से, और वहां छुप गए। तो इतने भी राक्षस वहां बैठा रहा कि जब तक शिव जी बाहर नहीं निकले तब तक हम मैं यहीं पे बैठा रहा। राक्षस ने ये सोच लिया। तो देखो क्या हुआ, फिर देवताओं में मतलब पता चल गया पार्वती जी को। पार्वती जी ने बोला कि ऐसा ऐसा हो गया है। तो सब लोग फिर विष्णु भगवान के पास जाते हैं, देवतागण सब विष्णु भगवान के पास जाते हैं। तो विष्णु भगवान इससे फिर गुहा लगाते हैं, ऐसी ऐसी बात हो गई है तो क्या करा जाए। राक्षस बैठा ही रहता है दरवाजे पे, एक साल बीत गया था। बताओ, ये कहानी ना मैंने बहुत पहले पढ़ी थी बचपन में अपनी दादी से, तो वो उनने मेरे को ये बताई थी। तो महादेव हमारे इतने भोले वाले हैं, भांग धतूरा खाने वाले हैं, इतने सीधे साधे हैं, महादेव सबकी रक्षा करे, भोले वाले हमारे जो भोलेनाथ जी हैं। और तो क्या हुआ ना कि एक साल बीत गया था, बताओ। तो फिर विष्णु भगवान ने सोचा कि जब भी मुसीबत आती थी सब लोग विष्णु भगवान के पास जाते थे, तरकीब वही बताते थे क्योंकि वही सबके पालनहार हैं। तो फिर वह क्या हुआ, शिव जी विष्णु भगवान ने योजना बनाई, उनने पार्वती का रूप रख लिया। तो पार्वती का रूप कर रख के भस्मासुर के पास चले गए हैं। भस्मासुर के पास गए तो उनने बोला कि बहुत बुराई करी ऐसी, थोड़ा बहुत शिव जी की करनी पड़ी, क्या करते हैं। तो राक्षस को तो हराना था ही, तो शिव जी को भी बचाना ही था, तो अब वरदान तो दे चुके थे। तो शिव जी विष्णु भगवान ने पार्वती जी का रूप रखा, तो गए उनके पास। तो क्या हुआ, डांस करने लगे, मतलब उनको उन राक्षस के सामने डांस करने लगे, बोलने कि मैं तेरी से शादी करूंगी, ये वो सब कुछ बोलने लगे। तो राक्षस खुश हो गया कि उनने बोला शिव जी को छोड़ो, पार्वती गोरा जब मेरी हो जाएगी तो क्या फिर क्या बात ही क्या है, मेरे को शिव जी को भस्म करने की जरूरत ही नहीं। तो फिर डांस करने लगे तो उनने बोला कि एक शर्त है, अगर मैं नाच करती रहूंगी नाच, विष्णु भगवान ने जो पार्वती का रूप रखा हुआ था, तो उनने बोला कि मैं नाच करती रहूंगी तो आप भी मतलब जैसे मैं करूंगी वैसे आप करते रहना, राक्षस को बोला। तो उनने बोला ठीक है। और तो फिर कभी विष्णु भगवान जी, उनकी तो लीला है ना कि जब भी देश मतलब हमारे संसार में मुसीबत पड़ी, कोई भी युग ले लो, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग में भी होंगे कहीं ना कहीं, हम तो बोल नहीं सकते। तो क्या हुआ कि उनने बोला कि जैसा ही मैं करूंगा वैसे ही आपको करना पड़ेगा, ठीक है। राक्षस मान गया। तो राक्षस ने बोला ठीक है। तो कभी विष्णु भगवान अपनी लीला दिखाते, कमर पे हाथ रखते हैं, कभी यहाँ कंधे पे हाथ रखते हैं, कभी ठुमके लगाते हैं, सब कुछ। तो लास्ट में उन्होंने क्या करा ना, सर पे हाथ रख दिया। भस्मासुर इतना मोहित हो गया था डांस करते करते कि उसको पता ही नहीं कर मेरे को बदाम मिल चुका है। तो उन्होंने बोला जैसे विष्णु भगवान जी अपने सर पे हाथ रखते हैं तो वैसे ही राक्षस भी अपना सर हाथ पे रख लिया तो भस्म हो जाता है। इसी लिए तो देखो विष्णु भगवान ने शिव जी को बचा लिया, और यही हमारे प्रभु की लीला है। और देखिएगा मेरी कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, आपको मैं इसी तरह से नई नई वीडियो, नई नई कहानियाँ बताते रहूँगी।